झारखंड सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सिमडेगा प्रशासन द्वारा शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सरकार के महागठबंधन ने प्रशासन पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। सिमडेगा परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि प्रशासन ने उनको आमंत्रित नहीं कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का रवैया समझ के परे है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसके इशारे पर कार्य कर रही है पता नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए आयोजित कार्यक्रम में उनकी उपेक्षा की गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक डेलीगेट मुख्यमंत्री से मिलकर इसका विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं जेएमएम के जिला अध्यक्ष किशोर डांग ने भी प्रशासनिक कार्यक्रम की बहिष्कार करने की बात कही। वहीं पूर्व विधायक बसंत लोंगा ने कहा कि प्रशासन कार्यक्रम में 2 घंटे पूर्व फोन पर आमंत्रण करती है, क्या ये सही है? उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष टीडी सिंह ने कहा कि ये दुख की बात है कि प्रशासन ने उनकी उपेक्षा की है। उन्होंने पूर्व में किए गए अपने अनशन की बात करते हुए कहा कि फिर से अनशन के संकेत दिए हैं। हालांकि एक तरफ महागठबंधन प्रशासनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करते रहे, दूसरी तरफ इसी महागठबंधन सरकार के दोनों विधायक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता है हम लोग दुखी है। क्यों दुखी है कि एक साल से हमारे कार्यकर्ता को यह प्रशासन कहीं कुछ नहीं किया और हम लोग अपने को अवहेला महसूस करते रहे, आज भी कर रहे हैं। आज के दिन हम लोगों को निमंत्रण देके बुलाना चाहिए था। हम लोगों को भी श्रद्धा है, शौक है कि हमारे प्रशासन के लोग जिला में हम लोगों को बुलाते, हमारी सरकार है, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।